उधर वन जंगल के पास एक छोटा सा कस्बा था, विशेला नगर। उस गांव में लोग कम थे, इसलिए उनमें एकता थी। सारे गांव वाले मिलकर शहर से लड़कियों को लाते और ले जाके बेच दिया करते थे। आसपास के गांव के भी लोग परेशान हो चुके थे। इन लोगों के गांव में कोई भी लड़कियां रात में या दिन में घर से बाहर नहीं निकलती। एक दिन उस गांव में टीना नाम की एक शहर से लड़की आती और मदद के लिए रानू के घर के बाहर आ खड़ी होती। रानू निकलती और उससे पूछती, तुम कौन हो और कहां से आई हो? जवाब में टीना कहती, मेरे पापा मुझे बिजनेस के लिए यहां बुला लिए हैं। मैं विदेश रहती हूं और अब मुझे पता नहीं चल रहा। विशेलपुर गांव यही है ना? तभी मन ही मन रानू सोचती, ये इस गांव को विशेलपुर समझ के यहां आ गई है, इसकी मैं अच्छे से फ़ायदा उठा सकती हूँ। जवाब में रानू कहती, अरे तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, नाम बताना मुझे। तभी वो टीना उनसे कहती, मेरे पिता का नाम रामू है, वो एक किसान है। तभी तुरंत रानू हंसते ही हंसते कहती, अरे रामू भाई साहब, वो तो हमारे यहाँ ही काम करते हैं। तुम सही बोल रही हो, तुम्हें शहर भेजने के लिए पैसा उन्होंने हमसे ही ली थी। ये बात सुन टीना चौंक जाती और कहती, फिर तो मैं गलती से सही जगह पर आ चुकी हूँ। अच्छा, आपके गांव में कोई ऐसे कपड़ों में बोलेगा तो नहीं? आपके यहाँ कोई लड़की नहीं है, भेज देती तो मैं उनसे बात करके बिता लेती रात में यहीं पे। तभी रामू उससे सोचती कि इसको मैं अभी सुंदरी को भेज के अपने बातों में उलझाने को बोलती हूँ और मैं सारे गाँव वालों को बुला लेती हूँ ताकि इसे हम लोग बेच के पैसे ले सकें। वो वहाँ इंतज़ार करते रहती उसकी बेटी सुंदरी का। तभी देखते ही देखते सुंदरी निकलती और उसके कपड़ों को टुक टुक देखने लगती। टीना से कहती, ये सारे कपड़े कहाँ मिलते हैं? मैंने तो कभी देखा नहीं, हमारे यहाँ गांव से निकलने पे जंगल आ जाता है। टीना हंसते हुए कहती, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हें ऐसे कपड़े गिफ्ट कर दूँगी, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सुंदरी कहती, मुझे बिल्कुल तुम्हारी तरह सुंदर दिखना है, मुझे अपना ये रूप पसंद नहीं, गांव वाले मुझे गंवार कहते हैं और मुझे शहरी होना है। सुंदरी की इन बातों को सुन टीना उसे कहती, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मेकओवर करूंगी। अभी मैं यहाँ कुछ दिन तक रहने वाली हूँ तो मैं तुम्हारा सारा मेकअप करूंगी और तुम्हें स्टाइलिश बना दूंगी। ये सुन सुंदरी रोने लगती। रोती हुई सुंदरी आँख जैसे ही अपना खोलती और तभी वो पाती कि बारिश हो रही है और वो टीना गायब होके एक राजकुमारी का रूप ले ली है। राजकुमारी का रूप देख सुंदरी घबरा जाती और कहती, तुम कौन हो? और ये राजकुमारी देखते ही देखते गायब हो जाती। सुंदरी घबराए खड़ी रहती। उसे लगता कि आज तक तो उसके गांव के लोग लड़कियों को चुराया करते थे, आज वो अपने गाँव से कैसे गायब हो गई। तभी उसके सामने एक खूंखार चुड़ैल आती और कहती कि तुम मेरा ये रूप पसंद कर सकती हो? सुंदरी उसका ये रूप देख घबराई रहती और कहती, तुम कौन हो और मेरे साथ ये धोखा क्यों कर रही हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी वो चुड़ैल कहती, मैं वही लड़की हूँ जिसे तुमने देखा था, शहर से मैं आई थी इस गांव में और तब तुम्हारी माँ ने मुझे अपने घर में आसरा दिया था और उसने मुझे अपने बातों में उलझाया और फंसाया और धीरे धीरे करके वो मेरे सारे वीज़ा और पासवर्ड ले रखी थी। मेरे फ़ोन भी उसने छीन लिए ताकि मैं किसी से बात ना करूं और मुझे यहीं के यहीं फंसाई रह गई। एक दिन मेरी जान चली गई क्योंकि वो मुझे बेचना चाहती थी और मैं राजी नहीं थी, इसलिए उसने मुझे मार दिया और तब से मैं भटक रही हूं। सुंदरी उससे कहती, देखो तुम मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। तुम मुझे छोड़ोगी ताकि मैं अपनी माँ की सच्चाई सबके सामने लाऊं। वो चुड़ैल समझ जाती कि सुंदरी इन सब बातों से अनजान है। वो सुंदरी से कहती, तुम्हारी माँ ही इसमें शामिल नहीं है, पूरे गांव के लोग एक साथ मिले हुए हैं। चुड़ैल की ये बात सुन सुंदरी चकित रह जाती। चुड़ैल उसे सब बात बताती और कहती, सारे गांव वाले लड़कियों को बेच देते हैं, इसलिए वो लोग अपने गाँव की लड़कियों को निकलने नहीं देते। इतना कह चुड़ैल गायब हो जाती। तभी देखती सुंदरी कि उसके माँ और गाँव वाले कुछ आते हैं और सुंदरी से कहते, तुम यहाँ कैसे आ गई? जवाब में सुंदरी उससे कहती, माँ वो शहरी लड़की उड़ गई है और उसने मुझे बुलाया है, मैं जाके बुला के लाती हूँ। उसके माँ के मन में लालच आ जाता कि शायद मेरे जाने से वो शहरी लड़की ना आए, सुंदरी उसे लेकर आएगी, फिर मैं उसे भेज दूँगी। सुंदरी शहर की ओर चली जाती
और सीधे वो पुलिस थाने जाती और अपने सारे गांव वाले लोग के खिलाफ बयान दे देती। सारे गांव वाले जेल के अंदर चले जाते। फिर वो गांव के लोग ऐसा गलती कभी नहीं करते। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले।